पूरे भारत में फीस बढ़ोतरी और शैक्षणिक संस्थानों के निजीकरण के खिलाफ एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में जमकर प्रदर्शन किया है। सरकार की शिक्षा नीति से डीयू और जेएनयू के छात्र नाराज चल रहे हैं। छात्रों को का कहना है कि आईआईटी, आईआईएमसी दिल्ली, उत्तराखंड में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय एम्स जैसे तमाम विश्वविद्यालय और संस्थान सरकार के शिक्षा नीति से प्रभावित हुए हैं। फीस वृद्धि, नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के निजीकरण, एससी और एसटी छात्रों की छात्रवृत्ति संख्या में कमी और कई श्रेणी की छात्रवृत्ति में कमी से नाराज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। मैं एनएसयूआई जॉइंट सेक्रेटरी दिल्ली स्टेट। आज हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि आज जैसा कि आप जानते हैं, हर जगह, हर यूनिवर्सिटी में, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फीस इज इंक्रीजिंग मैनिफोल्ड। हमें ये नहीं पता कि छात्रों को कि उनका फ्यूचर क्या होने वाला है। बेरोजगारी एक 45 ईयर हाई पे है। यहाँ पे हर चीज़ आप देख रहे हैं, यहाँ पे देश भर से स्टूडेंट आए हैं, एनएसयूआई के कार्यकर्ता आए हैं, वो इसी बात पे प्रोटेस्ट करने आए हैं कि आज जो हमारी छात्र विरोधी सरकार हर चीज़ पे अपना अपना कट मांग रही है और जो हम नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, हम उसी के लिए आए हैं। पूरे इंडिया में जो छात्र आक्रोशित है फीस वृद्धि को लेकर, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे महाविद्यालय हो, हर छात्र जो आक्रोशित है आज यहाँ आ रहा है, अपना नुमाइंदगी यहाँ पेश कर रहा है। जिस प्रकार जेएनयू, जवाहर नवोदय विद्यालय और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और आईआईटी, एम्स, मास कम्युनिकेशन, हर जगह निजीकरण कर रही है सरकार। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी कुछ कोर्सेज सेल्फ फाइनेंस के नाम पे करे गए हैं। उन सब मुद्दों को लेकर आज यहाँ एनएसयूआई आई है और अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। हम पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से हम लोग एकजुट होकर इधर में आया है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में बीजेपी सरकार दोनों स्टेट को पूरी तरफ से खराब कर दिया है। जो एजुकेशन है वो उसको को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि त्रिपुरा में 931 स्कूल बंद कर दिया गया है, वो इशू में हम लोग अभी इधर में आया हो आवाज़ तुलने के लिए। जो मोदी सरकार, अमित शाह मिलकर कर रहे हैं, वो शर्मनाक है।